गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी को लेकर आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। आज यूपी सरकार की ओर से दलीलें पेश की जाएंगी। यूपी सरकार की तरफ से अफजाल अंसारी की सजा को 4 साल से बढ़ाकर 10 साल किए जाने की अपील की है और यूपी सरकार का पक्ष पूरा होने के बाद बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का परिवार हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। अगर अफजाल को राहत नहीं मिलती है तो गाजीपुर से अफजाल की बेटी नुसरत निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी दलों ने भी छठे और सातवें चरण के चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रतापगढ़, जौनपुर और मछली शहर में जनसभा को संबोधित करेंगे और गठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती मिर्जापुर और बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। मिर्जापुर के देवरी कला मड़िहान स्थित मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद बिहार के बक्सर में चुनाव प्रचार करेंगी।